हाँ देखिए बेटा, अगेन टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं इसमें। मैंने एक बार दोनों पे फोर्स लगा दिया जिससे ये भी टाइप भी आ जाए आपको, इसमें भी आप कभी गलती ना करें, और दोनों जगह फ्रिक्शन है तो इसमें सब चीजें कवर होगी। फोर्स भी लग रहा है दोनों पर, दोनों पे फ्रिक्शन भी है, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फंडा अभी भी वही है, ठीक है ना। नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलरेशन, इसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे इसमें, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा आपका, देख लो, 10 + 5 है आपका, 15 न्यूटन टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो आपने पहले ही तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख दीजिए एज ए फर्स्ट स्टेप, जो आप प्रोसीड करते हैं। 2 है 1 है, मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों जगह लिख दीजिए। यहाँ पे कितना होगा, 0.3 × 3 × g, 3 न्यूटन हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, 9 न्यूटन, क्योंकि 0.3 दे रखा है, ठीक है। 0.2 है आपका, 0.2 × 2 × g, 4 न्यूटन हो गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन इस सरफेस पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, यहाँ पर 9 न्यूटन है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है किसी को। और 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सलरेशन लिखना है इनके, कॉमन एक्सलरेशन कैसे लिखेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो आपका ये टोटल, आपने पहले सबसे पहले कॉमन एक्सलरेशन निकालेंगे 2 kg और 1 kg को एक साथ सिस्टम लेते हुए। 2 kg और 1 kg को एक साथ सिस्टम लेते हुए आप क्या निकालेंगे, कॉमन एक्सलरेशन निकालेंगे। तो कितना आ गया, टोटल फोर्स 15 - 9 इक्वल टू 3 × a आ गया, 15 - 9 इक्वल टू 3 × a। तो एक्सलरेशन कितना आ रहा है, 2 m/s² अगर साथ चलेंगे तो इस एक्सलरेशन से चलेंगे, नहीं तो साथ नहीं चलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सलरेशन नहीं है जिससे वो साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे साथ चल रहे हैं, आप किसी के लिए भी चेक कर लीजिए, मैं दोनों के लिए आपको बता देता हूँ। आप FR रिक्वायर्ड फोर्स फॉर 2 kg चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा रिक्वायर्ड फोर्स फॉर 2 kg, 4 न्यूटन लगना चाहिए, ठीक है ना, 4 न्यूटन लगना चाहिए। तो आपका 2 kg इधर है और यहाँ से आपका कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। पहले रिक्वायर्ड फोर्स लिख दूं मैं, रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर आप कितना लगा रहे हैं, 5, तो कम करना पड़ेगा इस फोर्स। तो कम करने के लिए इधर कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन होना चाहिए। क्या 1 न्यूटन कम हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन तक जा सकता है। तो यहाँ क्या बन गया, 1 न्यूटन इज लेस देन 4 न्यूटन, ठीक है। तो उतना फ्रिक्शन इसको मिल जाएगा आराम से, और दोनों फोर्स क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख देंगे 1 न्यूटन इज लेस देन 4 न्यूटन एंड बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, हेंस बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है बेटा, यहाँ तक दोबारा बोलिए एक बार। हाँ, रिक्वायर्ड आपका मैक्सिमम एवरेज से कम है इसलिए दोनों साथ चल रहे हैं ना। रिक्वायर्ड है 1 न्यूटन चाहिए यहाँ पे, अरे वो रिक्वायर्ड तो ठीक है, 4 न्यूटन चाहिए, वो तो 5 न्यूटन तो और दोबारा लग ही रहा है ना बेटा इस पर। तो इस पर नेट 4 करने के लिए आपको इधर 1 लगाना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि 5 न्यूटन तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो अलग से लग रहा है। अब क्योंकि 1 इस 4 न्यूटन से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसलिए आपको आराम से, हाँ ये आपने पहले भी किया था, मैंने आपको जब सिंगल फोर्स लग रहा था, जब जिस पर फोर्स लगा रहे थे उस पे चेक करके बताया था ना, सिंगल फोर्स लग रहा है तो आप जिस पर फोर्स लग रहा है उस पे भी तो चेक करके बताया था मैंने आपको, वहां भी यही टेक्निक फॉलो करी, ठीक है। एक्सटर्नल में से हटा के जोड़ के जितना लग रहा है, 1 kg आपका दूसरा, इससे चेक कर लीजिए, इससे भी चेक कर सकते हैं। 1 kg पर कितना एक्स रिक्वायर्ड चाहिए, 1 × 2 2 न्यूटन चाहिए, ठीक है। और आपका नहीं, सॉरी, रिक्वायर्ड कितना चाहिए, 9 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा। FR-9, FR-9 इक्वल टू 1 × 2, तो FR-9 तो 1 न्यूटन पे चाहिए, 11 न्यूटन चाहिए बेटा इस पे, 11 न्यूटन चाहिए 1 kg पर रिक्वायर्ड फोर्स। आपको कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, तो ठीक है, ऊपर से फ्रिक्शन 1 न्यूटन ऐड कर देगा इस, ठीक है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर ऐड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसने 10 न्यूटन में फ्रिक्शन ने 1 न्यूटन ऐड कर दिया, ऐड करती है 11 न्यूटन बन गया और साथ चल रहे हैं आराम से, उससे भी ये निकल के आया था। तो कोई पूछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है बिटवीन द ब्लॉक्स, 1 न्यूटन, 1 kg और सरफेस के बीच कितना लग रहा है, 9 न्यूटन, ठीक है ना। 1 kg और सरफेस के बीच कितना है, 9 न्यूटन, इन दोनों के बीच कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 1 न्यूटन। तो बस हो गया, एक्सलरेशन कॉमन है इसका, हेंस आंसर एक्सलरेशन का कितना हो जाएगा, 2 m/s²,
कोई फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स पूछ ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स लग रहा है आपका एफ इक्वस टू एम इंटू जो भी आपने निकाला 1 न्यूटन फ्रिक्शन। ठीक है,